हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का लास्ट वीडियो है। इसमें पहला चैप्टर 5.1 का चल रहा है, इसका लास्ट वीडियो आज होगा। हम लोग क्वेश्चन 23 तक कर चुके थे, 24 से आज करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ चुके थे जो आप लोग को पता ही होगा, और बेसिक बातें वही कंटिन्यूस वाले बातें थी और डिसकंटिन्यूस वाले, तो हम चर्चा करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन है, कह रहा डिटरमाइन इफ़ एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इतना इज कंटिन्यूस फंक्शन, यानी चेक करना है कि कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए पॉइंट क्या दिया हुआ है, तो पॉइंट जीरो है, एक्स इक्वल टू जीरो पर हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए हम लोग चेक करने का तरीका आपको पता ही है, फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ। क्या करते थे, वही लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए, या इसी को लिमिट लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस माइनस या x टेंस टू a लिखते थे, तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ a करते थे, तो a प्लस जीरो ए प्लस ई, इस तरह से अपना केस करते थे। लेकिन जनरली हम कर देते हैं फाइनल केस, जैसे h टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ a माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ a प्लस h इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए। मेनली रूप से इसी को हम लोग चेक करते हैं। अगर ये तीनों इक्वल होते हैं आपस में तो बोलते हैं कंटिन्यूस है, अगर इक्वल नहीं होते हैं तो बोलते हैं कंटिन्यूस नहीं है। तो देखिए यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि x इक्वल टू जीरो पर चेक करना है। तो देखिए चेक कीजिएगा तो सॉल्यूशन लिख सकते हैं आप, फंक्शन ऑफ जीरो क्या होगा बताइए। फंक्शन ऑफ जीरो मैंने x की जगह जीरो रख रहे हैं तो जीरो दे ली है, ठीक है। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर लेते हैं आप, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो जीरो से क्या लेते हैं, छोटा लेते हैं एक तरह से, और फिर जीरो से बड़ा लेते हैं ए। तो देखिए नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ क्वेश्चन में दे रहा है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब ये छोटा भी है और बड़ा भी है, दोनों के लिए आप वही लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए भी लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो h टेंस टू जीरो और लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ जीरो माइनस h, तो फंक्शन जीरो माइनस h तो फंक्शन क्या होगा, यहाँ से देखिए तो लिमिट h टेंस टू जीरो ए फंक्शन है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना होगा। नहीं समझ में आया तो यहाँ पर इस तरह से लिख लीजिए पहले कि फंक्शन क्या है, ऐसे लिखिए क्या है तो हम कर ही दिए कैलकुलेट डायरेक्ट, तो अब लिखने की जरूरत नहीं है। अब वहाँ से डायरेक्ट पुट कीजिए, एक्स की जगह कितना, जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू साइन वन बटा जीरो माइनस एच, यही होगा। अब इसको आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर यानी एच स्क्वायर होगा इंटू साइन माइनस वन बटा एच, होगा ना, माइनस एच नीचे होगा, तो आप जानते होंगे इस तरह से फॉर्मूला होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। चलिए अब देखिए यहाँ से क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एच स्क्वायर साइन वन बटा एच हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला और दिमाग में होगा आपके पास, तो फार्मूला क्या, जब डायरेक्ट भी पुट कर सकते आप एच इक्वल टू जीरो, तो अगर h जीरो पुट कीजिएगा तो किसी फंक्शन से गुना करेगा तो क्या कर देगा, जीरो कर देगा, तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, जीरो, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट निकालिएगा, तो राइट हैंड लिमिट निकालने का मतलब है लिमिट h टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो प्लस h, ठीक है। तो जीरो प्लस एच फिर से लिखिएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ जीरो प्लस एच रखिए, तो क्या होगा, जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू साइन वन बटा जीरो प्लस एच, मैंने एक्स की जगह मैं क्या रखा हूँ, जीरो प्लस एच, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच स्क्वायर इंटू साइन वन बटा एच, फिर एच का मान पुट कीजिएगा जीरो,
तो ये भी वैल्यू कितना आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। यानी राइट हैंड लिमिट भी कितना आ गए, जीरो आ गए। इक्वेशन तीन लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद, ये इस तरह से लिखने के बाद, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ जीरो, इसीलिए लिख सकते हैं एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इतना ही आपको लिखना था, नोट कर लीजिए इसको, बस दिमाग में वही रखना है। कंटिन्यूअस के लिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड और जो फंक्शन पर चेक करना उसको चेक कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, इसको पहले नोट कर लीजिए स्थिर से। देखिए 25 में है, देखिए 25 में भी वही फंक्शन है डेल, देखिए नोट कर लीजिए इसको, तब तक क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ वही काम करना है जो पिछले क्वेश्चन में किए थे, यानी कि x बराबर जीरो पर फिर से चेक कीजिएगा आपका कि कंटिन्यूस है कि नहीं है। देखिए तो हम लोग चेक करेंगे, तो सॉल्यूशन क्या होगा, फंक्शन ऑफ जीरो, देखिए तो फंक्शन ऑफ जीरो के वैल्यू जीरो है ना, जीरो नहीं है सॉरी, आपके पास कितना है, माइनस वन है। अब देखिए फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए आप, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का मतलब ही क्या हो रहा है कि लिमिट h टेंस टू जीरो, तो अगर लिमिट h टेंस टू जीरो तो फंक्शन ऑफ यहाँ क्या होता है a माइनस h, तो जीरो है तो यहाँ क्या लिखिएगा, जीरो माइनस एच, तो क्या होगा लिमिट h टेंस टू जीरो, तो जहाँ जहाँ x होता है फंक्शन में वहाँ क्या पुट करना पड़ेगा आपको, जीरो माइनस एच पुट करना पड़ेगा। तो देखिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट कहने का मतलब जीरो से छोटा होता है, तो जीरो से छोटा तो क्या होगा, छोटा या बड़ा कहेगा तो इसी फंक्शन को लेंगे आप, तो यानी कितना हो जाएगा साइन जीरो माइनस एच माइनस कॉस जीरो माइनस एच, ये होगा। चलिए अब इसको दिमाग में रखना है आपके पास कि आंसर कितने आने वाले हैं। देखिए तो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो पढ़े होंगे, जीरो माइनस थीटा, तो माइनस थीटा होगा, यानी क्या होगा साइन जीरो माइनस एच, क्या होगा साइन माइनस एच, और साइन माइनस थीटा अभी लिखे थे यहाँ पर भी, तो क्या होगा माइनस साइन एच, यानी कहने का मतलब फॉर्मूला होता है, अभी भी कुछ देर पहले लिखे थे साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होते हैं साइन थीटा। देखिए ये फॉर्मूला होते हैं साइन माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, लेकिन कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, सॉरी साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएंगे साइन, यहाँ से क्या होंगे साइन माइनस एच, फिर क्या होंगे कॉस माइनस एच होंगे ना। तो अब देखिए इसको लिखिएगा, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये साइन माइनस थीटा कॉस थीटा, ये क्या हो गया कॉस एच हो गए। अब एच टेंस टू जीरो पुट करो, तब यहाँ एच जीरो पुट करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जीरो का मान जीरो हो जाएगा, जैसे लिमिट देखिए लिमिट, अब लिमिट लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पुट कर दीजिए, माइनस साइन इतना जीरो माइनस कॉस जीरो, साइन जीरो जीरो कॉस जीरो वन, यानी कितना हो गया माइनस वन, यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया माइनस वन, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया माइनस वन, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। इसको इक्वेशन फर्स्ट में लिख सकते हैं अपने हिसाब से। अब देखिए राइट हैंड लिमिट लेंगे आप, तो राइट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या लेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो प्लस एच लेंगे, माइनस लेते हैं तो लेफ्ट हैंड होता है, प्लस लेते हैं तो राइट हैंड होता है, फिर से वही फंक्शन रहेगा,
क्या होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो कितना है, साइन जीरो प्लस h माइनस कॉस जीरो प्लस h, ठीक है, यही होगा, इसमें भी यही था, इस तरह से साथ चल रहा है, इसलिए देखिए तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो साइन जीरो प्लस एच साइन एच माइनस कॉस एच, फिर से पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ, साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, साइन जीरो जीरो कॉस जीरो वन, इसका भी आंसर क्या आया, माइनस वन, राइट हैंड लिमिट भी क्या हो गया, माइनस वन, ठीक है। तो देखिए इसके इक्वेशन को तीन भी मान सकते, इसको सेकंड मान सकते थे, इसको फर्स्ट मान लिए थे, तो यहाँ से फिर से वही बात लिखेंगे, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ जीरो, इसीलिए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, बस यही तो लिखना जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग लिखे थे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 26। हेलो दोस्तों, देखिए इसमें हम लोग अब क्या करेंगे, 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 26 क्वेश्चन संख्या से 29 तक आपको क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन एक ही दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी सब में वैल्यू किसका निकालना है, के का, और साथ ही सो दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट, यानी और जिस पॉइंट पर इंडिकेट कर रहा है उस पर हम लोग को कंटिन्यूअस भी चेक करना है। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, के का मान निकालना, 27 में भी है, 28 में भी है, 29 में भी, सब में क्वेश्चन में क्या निकालना है कि के का मान निकालना है, जिसमें कह रहा है कि क्वेश्चन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पर, जो जो पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट पर, ठीक है। चलिए हम लोग काम करते हैं आगे, देखिए जो दिया हुआ है उसको पहले नोट कर लेते हैं। तो फंक्शन तो दिया हुआ था, और देखिए फंक्शन ऑफ क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, तो यहाँ से एक्स के जगह अगर पाई बाई टू रख दिया जाए एफ एक्स के जगह, तो यहाँ से कितना दे ले, तीन, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए यहाँ ये भी स्पष्ट कर चुका है कि आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पर, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पर, यहाँ लिख सकते हैं दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, यानी यह फंक्शन कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, तो यहाँ से लिख सकते हैं ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ पाई बाई टू, लिख सकते हैं हम लोग। चलिए तो हमको k का मान निकालना है, तो कोई जरूरी नहीं कि रेट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पूरा निकालने की जरूरत पड़े, तीन को में दो को भी बराबर कर देंगे तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करने में हम लोग को आसान हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो कोई को भी दो को ले लीजिए, ये दोनों को लीजिएगा तो सेम ही रह जाएगा, लेकिन इसको आसान है लेने में, तो एक को ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए नो, अब लेते मान लीजिए कि राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए राइट हैंड लिमिट पॉजिटिव होता है इसलिए ले रहे हैं हम, लिमिट h टेंस टू जीरो, तो फंक्शन ऑफ क्या होगा, जीरो नहीं है भाई, हाँ यहाँ जीरो रहेगा, लेकिन फंक्शन ऑफ कितना पर कंटिन्यूटी है, तो पाई बाई टू पर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पाई बाई टू प्लस h, ठीक है, क्यों, जीरो रहता तो जीरो प्लस h लिखते थे, तो यहाँ पर क्या है, पाई बाई टू है, तो पाई बाई टू प्लस h लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, देखिए जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे, अब इस सारे टर्म रख देंगे पाई बाई टू प्लस एच, यही फंक्शन होगा। देखिए तो यहाँ क्या है, के है तो के लिखिए, कॉस कितना होंगे, पाई बाई टू प्लस एच बटा पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू प्लस एच, ये होंगे, बड़े से ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो, कुछ फार्मूला आप लोग को दिमाग में होगा, cos 90 प्लस थीटा,
कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, माइनस के साइन एच बटा पाई, टू से टू कैंसिल तो माइनस पाई, ये टू आ जाएगा तो माइनस टू एच होगा, पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो क्या होगा, माइनस के साइन एच बटा माइनस टू एच, टू से टू कैंसिल। थोड़ा सा आगे हम लेके चल रहे हैं, नीचे दिख रहा है, देखिए इसको ऊपर लेके चल रहे हैं हम थोड़ा, राइट हैंड लिमिट लिख रहे थे, राइट हैंड लिमिट है तो यहाँ से के वाई टू को कॉमन ले लीजिए, के वाई टू कॉमन तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो और साइन एच वाई एच, ये फार्मूला होता है, आपको हम एक दिन फार्मूला पढ़ाए थे पिछले वीडियो में, ध्यान दीजिएगा इस तरह से, साइन एक्स बटा एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो होता है, इसकी वैल्यू वन होती है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितना हो गया, पूरे की वन हो गया, तो के वाई टू इन टू वन यानी कितना, के वाई टू कौची बराबर, तो राइट हैंड लिमिट बराबर आ गया के वाई टू। अब देखिए के का मान निकालना है, तो इक्वेशन यहाँ से फर्स्ट देखिए, यहाँ से इक्वेशन सेकेंड देखते हैं, अब लिख सकते हैं आप नीचे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी समीकरण एक तथा दूसरे क्या होगा, देखिए तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ पाई बाई टू, तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू के वाई टू इक्वल टू इसकी वैल्यू थ्री, तो यहाँ से के की वैल्यू हो जाएंगे सिक्स, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। बस कोई जरूर नहीं, राइट हैंड लिमिट भी निकालते तो राइट हैंड लिमिट निकाले तो इस तरह से आया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते तो यहाँ माइनस करते, यहाँ माइनस करते, यहाँ माइनस करते, आपका फिर से लगभग वैल्यू वही आ जाता, ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 27, ठीक है, 27 में क्या है उसको देखते हैं, देखिए नोट कर लिए होंगे आप, इसको हम मिटा देते हैं, तब तक क्वेश्चन देखिए, 27 मैंने लिखा हूँ उसको देखिए, बनता है तो बनाइए, आसान है कोई बात नहीं, सब क्वेश्चन सेम ही पैटर्न पर चल रहा है, सब में के का ही मान निकालना है। बस थोड़ा सा फॉर्मूला बेसिक दिमाग में रखना है और कुछ नहीं, देखते हैं। देखिए यहाँ भी पॉइंट दे चुका है, एट एक्स इक्वल टू टू पर चेक करिएगा आप, जो इंडिकेट करता है पॉइंट, चलिए तो अब यहाँ से हम लोग फिर से सॉल्यूशन करेंगे, तो क्या होगा, फंक्शन ऑफ अगर टू दिया जाए तो देखिए फंक्शन ऑफ टू यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, कि दिया हुआ है आप ही बताइए, तो फंक्शन ऑफ टू यहाँ पर नहीं दिया हुआ है लेकिन आपका दो से बड़ा दिया हुआ है, तो दो से बड़ा दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका राइट हैंड लिमिट कहते हैं, तो यहाँ पर एक तरह से कहिए तो राइट हैंड लिमिटेड डायरेक्ट दे देता है, तो राइट हैंड लिमिट कितना दे दिया है, यहाँ थ्री दे दिया, ये दिया हुआ है ना, यानी कहने का मतलब मेरा हुआ, देखिए फिर से नहीं समझ में आता है, तो देखिए जैसे कि हम लोग क्या है, पॉइंट है ये जीरो है, अब जीरो से बड़ा लेते हैं, जीरो से बड़ा है क्या है, जीरो से छोटा, तो जीरो से बड़ा लेते हैं तो अब यहाँ पॉइंट है टू, तब यहाँ क्या कहेंगे, टू से बड़ा टू से छोटा है कि नहीं, टू से प्लस चलेंगे तो दो से बड़ा है तो तीन देल है ना, तो क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट देल है, इधर टू से छोटा दे रहा था इस तरह से इंडिकेटर तो लेफ्ट हैंड लिमिट दे रहा था, यानी हम लोग को क्वेश्चन में देल है, क्या देल है, राइट हैंड लिमिट डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, कितना थ्री, इक्वेशन फर्स्ट, चलिए हो गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए आप, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो देखिए जैसे ही लेफ्ट होता है तो माइनस होता है उसमें, तो यहाँ किस पॉइंट पर निकालना है, टू पॉइंट पर, तो यहाँ क्या लिखिएगा, टू माइनस एच लिखिएगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जहाँ फंक्शन एक्स है वहाँ टू माइनस एच रखेंगे, तो क्या है, दो से छोटा है ना, तो दो से छोटा यही फंक्शन होगा, यहाँ क्या होगा, के इंटू एक्स स्क्वायर,
एक्स की जगह क्या हो जाएगा, टू माइनस एच का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ से क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो तो क्या हो जाएगा, के इन टू ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो दो का स्क्वायर क्या होगा, फोर माइनस एच स्क्वायर, फिर माइनस फोर एच, यही होगा। एच का वैल्यू जीरो रख दीजिए, ए भी जीरो, ए भी जीरो, कितना आ जाएगा, एच का वैल्यू जीरो रखने पर ए जीरो तो कितना हो जाएगा, फोर के, कितना आ गया आपके पास, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फोर के। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अब ज़्यादा निकालने की आपके पास ज़रूरत नहीं, क्योंकि फंक्शन क्या दिया हुआ, कंटिन्यूस दिया हुआ, तो फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ तो लिख सकते हैं, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू कितना, टू। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ से क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, 4k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू कितना, 3/4, यही आपके पास आंसर होंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 28, बस उसी तरह से फिर से कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए अब यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट फंक्शन नहीं दिया हुआ है, दोनों फंक्शन है, तो इसलिए आप डायरेक्ट नहीं लिख पाइएगा यहाँ, तो यहाँ पर निकालना पड़ जाएगा आपको। तो यहाँ से लिखिएगा, क्या लिखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों को फिर इक्वल करिएगा, कैलकुलेशन करिएगा, आ जाएगा। देखिए कैसे करते हम लोग सॉल्यूशन, मान लीजिए लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, किस पर पॉइंट है भाई, एक्स इक्वल टू पाई है, तो बस यहाँ लिखिएगा, क्या लिखिएगा, फंक्शन ऑफ, जैसे लिखते थे ना ए माइनस एच, यहाँ क्या लिखेगा, फंक्शन ऑफ पाई माइनस एच। ठीक है, आ गया ये, क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट है जीरो से छोटा होगा, तो जीरो से छोटा होगा यानी कहने का मतलब पाई से भी छोटा होगा, तो पाई से छोटा यही हो फॉर्मूला, तो के एक्स, एक्स की जगह क्या लिखेगा, पाई माइनस एच प्लस कितना, वन होगा। अब देखिए लिमिट यहाँ से निकाल सकते हैं आप, क्या होगा, एच का वैल्यू क्या है यहाँ से, जीरो, तो एच अगर जीरो पुट कर देंगे तो क्या होगा, के पाई प्लस वन, ये ना होगा, तो के पाई प्लस वन लिख दीजिए यहाँ से, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है आपके पास, जीरो पुट करके तो कितना हो जाएगा, के पाई प्लस वन, क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वेशन फर्स्ट। राइट हैंड लिमिट निकालिए, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ पाई प्लस एच, तो देखिए जीरो से अति पाई से बड़ा होगा, पाई से बड़ा ये है, होगा ना, तो क्या होगा यहाँ से देखिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ पाई प्लस एच था, तो फंक्शन ऑफ पाई प्लस एच फंक्शन है क्या, कॉस एक्स, तो कॉस कितना हो जाएगा, पाई प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, और आगे बढ़िए, एच टेंस टू जीरो पुट कीजिए, पाई प्लस थीटा पुट कीजिए, तो कॉस पाई प्लस थीटा भी पुट कर सकते हैं, ऐसे फार्मूला होता है यहाँ से, लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो एच का जीरो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कॉस जीरो का मान कितना हो जाएगा, माइनस वन, तो यहाँ माइनस, कॉस जीरो का मान वन, तो यहाँ माइनस लगल है, या यहाँ से नहीं भी तो डायरेक्ट भी पुट कीजिए तो आंसर उतने आएगा, कैसे आएगा, एच का वैल्यू जीरो करिएगा तो कॉस पाई माने कॉस 180, उसकी वैल्यू कितना होती है, माइनस है, तो क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट क्या हो गया, माइनस वन। इसको इक्वेशन सेकंड पुट करिए, अब दोनों से ले सकते हैं क्योंकि दिया हुआ फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, तो लिख सकते हैं द गिवन फंक्शन मैंने दिया गया फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई, तो यहाँ से क्या लिखेगा आप, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, कितना आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आया था के पाई प्लस वन इक्वल टू माइनस वन, तो यहाँ से क्या होगा, के पाई प्लस वन इक्वल टू माइनस वन उधर चल जाएगा, क्या होगा, माइनस टू, तो यहाँ से के इक्वल टू क्या हो गया, माइनस टू बटा पाई। ठीक है, तो वैसे ही दिमाग में रखना है कितना वैल्यू आएगा, तो यहाँ से कितना आ गया, माइनस टू बटा पाई। क्वेश्चन संख्या कितना कंप्लीट हुआ, 28। अब 29 नोट कर लीजिए फटाफट, रोक के वीडियो को। देखिए ये क्वेश्चन संख्या 29 है, 29 को भी वैसा ही करेंगे,
किस पॉइंट पर चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू फाइव, एट एक्स इक्वल टू फाइव यहाँ से फिर से लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो तो क्या होगा यहाँ फंक्शन ऑफ कितना फाइव माइनस एच, ठीक है राइट हैंड निकालेंगे तो क्या करेंगे फाइव प्लस एच करेंगे, देखिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो बोलो पाँच से छोटा कौन है, पाँच से छोटा ये है तो यहाँ से क्या होगा कि एक्स, तो एक्स की जगह कितना पुट करोगे फाइव माइनस एच प्लस कितना वन, एच का वैल्यू जीरो पुट करो तो एच का वैल्यू जीरो पुट करोगे तो ये जीरो टर्म हो जाएगा तो फाइव के प्लस कितना हो जाएगा वन, फाइव के प्लस वन, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना निकल गया फाइव के प्लस वन, इक्वेशन फर्स्ट। फिर से देखो राइट हैंड लिमिट निकालो, तो राइट हैंड लिमिट निकालो क्या होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ फाइव प्लस एच, तो क्या होगा सॉरी एच की जगह फिर से अधिक एक्स की जगह फिर से पुट करो तो क्या होगा ऊपर से देखो क्वेश्चन एच टेंस टू जीरो पाँच से बड़ा, पाँच से बड़ा ये है तो कितना होगा थ्री एक्स, एक्स की जगह फाइव प्लस एच माइनस फाइव, फिर से एच की वैल्यू पुट करो जीरो तो एच की वैल्यू जीरो तो पानती कितना हो जाएगा पंद्रह माइनस कितना पाँच यानी कितना दस, तो राइट हैंड लिमिट कितना आ गया दस, इक्वेशन सेकेंड। फिर से लिख सकते हो कि यह फंक्शन दिया गया फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, लिख सकते हो चूंकि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू फाइव, इसीलिए राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट जो भी है, पहले लेफ्ट ही लिखता, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देख लीजिए जो भी आया आपके पास, तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है फाइव के प्लस वन इक्वल टू टेन, तो यहाँ से क्या हो गया फाइव के इक्वल टू नाइन, तो यहाँ से के इक्वल टू कितना हो गया नाइन बाई फाइव, यही आपके पास आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन संख्या आप क्या देखेंगे थर्टी, देखिए इसमें क्या करना है थर्टी नंबर क्वेश्चन में थोड़ा अलग है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी का वैल्यू निकालना है सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय इतना इज कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और हम लोग को निकालना क्या है ए और बी का वैल्यू निकालना है, देखते हैं क्या करते हैं। जो देखिए तो यहाँ पॉइंट टू है और टेन है, देख लीजिए एक्स लेस देन ग्रेटर एक्स है ना, एक्स लेस देन इक्वल टू टू, फिर दो से बड़ा है दो से छोटा है फिर दस से बड़ा एक्स का मान है, मैंने इस तरह से पॉइंट दिया हुआ टेन और क्या टू, तो टेन और टू है तो हम लोग चेक कर लेते किसी एक पॉइंट पर, तो किसी एक पॉइंट पर मतलब पहले पॉइंट कौन है एक्स इक्वल टू टू है और लेस देन टू है उस पर चेक कर लीजिए, उसके बाद फिर टेन पर निकाल लेंगे हम लोग दोनों पर करके कैलकुलेट करेंगे। देखिए तो एट एक्स इक्वल टू टू पर निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम लोग, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या होगा दो से छोटा होगा, तो दो से छोटा होगा तो क्या होगा यहाँ से देखिए लिमिट कितना एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ कितना बोलो छोटा होगा तो टू माइनस एच, मैंने दो से छोटा कौन होगा बताओ, तो दो से छोटा, दो से छोटा या दो के इक्वल तो कितना हो गया फाइव, डायरेक्ट लिख दो ना फाइव क्या दिक्कत है, यानी क्या हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया आपके पास फाइव आ गया। चलो अब राइट हैंड लिमिट निकाल दो यहाँ से, तो राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ टू प्लस एच, टू प्लस एच यानी दो से बड़ा होंगे, तो देखिए दो से बड़ा दस से छोटा है, चलिए तो देख लेते हैं यहाँ से क्या होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो जहाँ एक्स है तो एक्स की जगह कितना है टू प्लस एच प्लस बी, अब देखो एच का मान अगर यहाँ जीरो रखोगे तो टू ए प्लस बी हो जाएगा यानी कितना हो गई टू ए प्लस बी हो जाएगा, यानी कहने का मतलब राइट हैंड लिमिट जो है आपका कितना आ गया टू ए प्लस बी आ गया। चलिए ये दोनों अगर कंटिन्यूअस है तो हम लोग कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, चूँकि यहाँ से लिख सकते हैं इक्वेशन अगर मान लिया जाए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए इसको हम लोग लिख सकते थे ना शॉर्ट में, इसको देखिए ऐसे लिख सकते थे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू कितना फाइव इक्वेशन फर्स्ट, अब यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट इक्वल टू टू ए प्लस बी, अब इसको इक्वेशन सेकंड है अब लिख सकते हैं यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2a प्लस बी इक्वल टू 5, एक इक्वेशन निकल के आएगा ही। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं कैपिटल ए, ठीक है। चलिए एक पॉइंट क्या हो गया, x इक्वल टू 2 पर हो गया। अब देखते हैं एट x इक्वल टू 10 पर, क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पॉइंट 10 भी दे चुका है। देखिए और निकालना किसकी वैल्यू है हम लोग को, स्मॉल a और स्मॉल b की। चलिए एट x इक्वल टू 10, देखिए फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए आप यहाँ से, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिएगा तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 10 माइनस h, 10 से छोटा कौन होगा, 10 से छोटा यही होगा आपके पास, तो 10 से छोटा होगा और रख दीजिए लिमिट h टेंस टू 0 a इंटू 10 माइनस h प्लस b, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेट करके इसको, तो h की वैल्यू 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से 10 a प्लस b, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू कितना आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया आपके पास 10 a प्लस बी, इस इक्वेशन को मान लीजिए थर्ड, ठीक है। चलिए फिर से राइट हैंड लिमिट निकालिए इसमें, तो राइट हैंड लिमिट निकालिए तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 10 प्लस h, 10 से बड़ा देखो तो 10 से बड़ा यानी 21 डायरेक्ट लिख सकते हो वहाँ से, तो कितना हो गया 21, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो गया 21 हो गया ना, तो यहाँ से लिख सकते हो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 4 लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4 यानी 3 तथा 4 से क्या हो जाएगा 10 a प्लस बी इक्वल टू 21, ये फार्मूला मैंने कहने का मतलब इक्वेशन बी। अब देखिए दो को इक्वेशन है तो वैल्यू निकल जाएगा हम लोग के पास, तो यहाँ से लिखिएगा फ्रॉम या समीकरण भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण a तथा b से, हिंदी में लिखिए इंग्लिश में लिखिए आपकी इच्छा है, तो यहाँ क्या हो गया 2a प्लस b इक्वल टू 5, फिर कितना है यहाँ से 10a प्लस b, 10a प्लस b इक्वल टू 21, घटा दीजिए माइनस माइनस कर दीजिए, b भी कैंसिल हो जाएगा आपस में, 2 में 10 जाएगा माइनस 8 इक्वल टू कितना माइनस 16, माइनस माइनस कैंसिल a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, a का मान 2 रख दीजिए किसी इक्वेशन में, तो a का मान अगर मान लीजिए कि यहाँ रख देते हैं आप कहीं, मान लीजिए यहीं रख लेते हैं a का मान कितना 2, तो 2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, 20 घट जाएगा तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 30 नंबर एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, बस दो पॉइंट है x इक्वल टू 1 अति x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 10, तो 2 पर और 10 पर दोनों पर हम लोग कंटिन्यूस निकालेंगे और उसके बाद रिलेट कर देंगे दोनों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देखेंगे हम लोग, वीडियो को रोक के लिखिए। देखिए ये तीन क्वेश्चन 31 32 33 तीनों सेम है, ठीक है ना, तीनों को हम एक तरह कर दें आप भी समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन, मैंने एक कंटिन्यूअस फंक्शन है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि किस पॉइंट पर, तो किस पॉइंट पर नहीं कहा जाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं एट पॉइंट सी, तो अगर एट पॉइंट सी यहाँ से लिखा जाए एट पॉइंट सी, तो सी या x इक्वल टू सी हम लोग कहते हैं एट पॉइंट x इक्वल टू सी, जो c बिलोंग्स करता है किससे, रियल नंबर से, तो इस पॉइंट पर निकालिएगा तो पहला के लिए हम लोग देख रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एफ एक्स इक्वल टू मैंने 31 इक्वल टू, तो 31 एफ एक्स कितना है कॉस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से अगर एफ सी निकालेगा तो एफ सी क्या होगा, तो एफ सी इक्वल टू यहाँ से क्या होगा कॉस सी स्क्वायर होगा, होगा ना। चलिए उसी तरह से 32 निकालिएगा तो यहाँ से क्या होगा फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कॉस सी का मॉड होगा, मान अथी कॉस एक्स है भी कॉस एक्स है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एफ सी निकालेगा तो एफ सी की जगह कितना हो जाएगा यहाँ से कॉस सी का मॉड होगा। उसी प्रकार 33 देखिए, 33 देखिएगा तो क्या होगा फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, तो यहाँ से क्या होगा फंक्शन ऑफ सी इक्वल टू कितना मॉड सी। देखिए
तीनों इक्वल टू कांस्टेंट ही आ रहा है, तो तीनों अगर कांस्टेंट ही वैल्यू आ रहा है तो यहाँ से लिख सकते यह तीनों फंक्शन क्या है, यह तीनों फंक्शन क्या है, ये सभी फंक्शन क्या है, तीनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तीनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, ठीक है। तो सारे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट पॉइंट एक्स इक्वल टू सी, तीनों कंप्लीट हुआ। तीनों ये क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया है, बस कहता है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो है कंटिन्यूअस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का इस चैप्टर का 34 नंबर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 34 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। देखते हैं 34 क्या है, 34 कोई बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाला है, देखते हैं इसको भी। देखिए ये क्वेश्चन 34 नंबर ऊपर हम लिखे हैं, तनि पढ़िए, क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं दिया हुआ है और मॉडल्स में दिया हुआ है। हम पढ़े थे पिछले दो क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में, उसमें मॉड की चर्चा हुई थी, ठीक है। देखिए यहाँ पर फंक्शन ऑफ डेल है एफ एक्स इक्वल टू इतना, और कहा था फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाई, तो इसको किसी भी पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा बेसिक बात है इसकी देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्या, यहाँ मॉड एक्स है, यहाँ भी मॉड एक्स प्लस वन है, तो जो हम लोग जानते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं खाली। देखिए वेन एक्स जीरो से अगर बड़ा होता है तो यहाँ से हम लोग कहते हैं कि मॉड एक्स की वैल्यू जो होती है एक्स होती है। उसी तरह से वेन एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा होता है तो हम लोग कहते हैं मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस एक्स होती है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ से कहेंगे वेन, देखिए मॉड एक्स के वैल्यू तो प्लस माइनस में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी प्रकार अगर यहाँ से हम लोग कहें कि एक्स प्लस वन का मान जीरो से बड़ा होगा तो मॉड एक्स प्लस वन का मान भी क्या होगा, एक्स प्लस वन होगा, यानी इसके लिए मैं केस पढ़ रहा हूँ। उसी तरह से वेन अगर एक्स प्लस वन का मान जीरो से छोटा होगा तो यहाँ से मॉड एक्स प्लस वन का मान भी माइनस क्या होगा, एक्स प्लस वन होगा। इस पॉइंट को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ये चारों पॉइंट से ही क्वेश्चन को सोल्यूशन करने में हम लोग को आसान हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग केस देखेंगे कि क्या होगा। तो देखिए थोड़ा सा सोच के देखते हैं, सोचने में क्या जाता है, सोचने में तो कुछ पूंजी नहीं लग रहा है। देखिए अगर यहाँ से एक्स देखते हैं रख करके, देखिए ज़रा, तो एक्स रखेंगे तो एक्स थोड़ा सोचने वाली बात है, एक्स एक्स ये कैंसिल होगा, वन हो जाएंगे एक पॉइंट, लेकिन वन हो जाएंगे अगर कभी कभी माइनस एक्स रख दीजिएगा आप, तो उस केस में कुछ और आएंगे। तो यहाँ से हम लोग दो तरह से देख सकते हैं कि अगर एक्स इक्वल टू जीरो रखते हैं, अब हो सकता है कि एक्स प्लस वन इक्वल टू आप जीरो रखते हैं तो एक्स इक्वल टू क्या आता है, माइनस वन आता है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ये चारों पॉइंट थोड़ा सा घीच बीच कर देता है, थोड़ा समझने वाले पॉइंट नहीं पता चलता कि पॉइंट कैसे पता चलेगा क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। तो हम थोड़ा ले के चलते हैं चारों पॉइंट को, क्या कहना चाह रहा है और कितने पॉइंट हम लोग को निकलेंगे और कैसे निकलेंगे। जो देखिए तो देखिए माइनस में जब जाता है तो एक तरह से हम लोग समझें कि उसके पहले जीरो हो जाएगा, अगर वन जाएगा तो वन बड़ा हो जाएगा। तो तीनों केस हम लोग ले के यहाँ पर से चलेंगे, यानी कहने के मतलब कि x का जो मान होगा यहाँ से, यानी केस जो यहाँ से लेंगे, देखिए तो यहाँ से एक केस तो होगा x का मान माइनस वन से छोटा हो सकता है, ठीक है। एक केस माइनस वन से छोटा होगा तो माइनस वन से छोटा माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर तक जा सकते हैं। दूसरी केस अगर यहाँ से लेंगे तो दूसरी केस देखिए, वहाँ से x प्लस वन बराबर जीरो है तो x इक्वल टू माइनस वन भी है, तो इक्वल टू का भी केस आ सकता है। तो यानी यहाँ से हमारा एक केस ये भी हो सकता है कि इस तरह से माइनस वन और जीरो, यानी माइनस वन से बड़ा होगा और जीरो से छोटा होगा। तो माइनस वन से बड़ा जीरो है पता है आपको, उसके बीच वाले पॉइंट हम लोग ले सकते हैं। एक केस डायरेक्ट होगा आपके पास इक्वल टू जीरो वाला, यानी जीरो से बड़ा हो सकता है, यानी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यानी इस तरह से हम लोग को पॉइंट ये बनाना बहुत मुश्किल है थोड़ा सा।
अभी कैसे हम बनाते हैं थोड़ा सा समझिए, फिर से एक बार देखिए, ये क्या है, x का मान माइनस वन से छोटा है, तो x का मान माइनस वन से छोटा है तो माइनस वन से छोटा, थोड़ा पॉइंट देखिए ना, चेक करके पता चल जाएगा आपसे, देखिए ये माइनस वन है तो माइनस वन से छोटा ही होगी आपके पास, एक पॉइंट जीरो समझ में आ रहा है, तो ये क्या होगा, एक जीरो होगा, देखिए ये माइनस वन से छोटा हो गया, अब देखिए ये माइनस वन से बड़ा है, तो एक पॉइंट ये माइनस वन से बड़ा है यानी इस पॉइंट को चर्चा कर रहा है एक, और जीरो से छोटा है, मैंने एक केस ये हो गया आपके पास, और जीरो से बड़ा है तो जीरो से बड़ा एक केस ये हो गया, यानी तीन केस हम लोग के पास हो गया ना, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये, यही तीनों केस को बारी बारी से चलेंगे लेकर के, तब क्वेश्चन हम लोग के पास सॉल्यूशन है। देखिए हम लोग लेके चलते हैं, व्हेन एक्स लेस देन माइनस वन, यहाँ से एफ एक्स देखिए, तो एफ एक्स क्या होंगे, देखिए फंक्शन ऑफ एक्स, वहाँ से देखिएगा भी, यहाँ से भी देखिए, दोनों पॉइंट देखिएगा, यानी माइनस वन से छोटा है, तो माइनस वन से छोटा है इसका मतलब है कि जीरो से भी छोटा है, माइनस वन से छोटा है तो इसका मतलब है कि जीरो से ऑटोमेटिक छोटा है, तो देखिए जरा, जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा यही है, तो ए मॉड एक्स का मान माइनस वन होगा और क्या होगा, माइनस एक्स प्लस वन होगा, देखिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ से मैं क्या लिखूँ, ई मॉड एक्स की जगह क्या लिखूँ, मैं माइनस एक्स लिखा हूँ, और वो एक्स प्लस वन है तो एक्स प्लस वन के जगह भी आप क्या लिखेगा, माइनस लिखिएगा, तो यहाँ से क्या लिखेगा, माइनस तो मेन माइनस है, और इसके जगह क्या लिखेगा, माइनस एक्स प्लस वन लिखिएगा, फिर से समझिए, माइनस वन से छोटा अर्थात जीरो से भी छोटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है इसलिए परेशानी हो सकती है आपसे, तो देखिए मैंने मॉड एक्स का मान, देखिए पहला पॉइंट मैंने इसीलिए, दूसरा पॉइंट इसीलिए मैंने लिखा है, मॉड एक्स का मान मैंने माइनस में लिखा, क्योंकि चूंकि यहाँ पर फंक्शन क्या है, फंक्शन आपके पास यहाँ पर लिख रहे हैं क्या है, मॉड एक्स है, माइनस कितना है, एक्स प्लस वन है, तो ये इसका मान क्या होगा, माइनस एक्स होगा, इसका भी मान क्या होगा, माइनस एक्स प्लस वन होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो माइनस एक्स माइनस माइनस देखिए, तो अंदर वाले माइनस करिएगा तो क्या होगा, माइनस एक्स माइनस वन, तो यहाँ क्या होगा, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स और माइनस माइनस प्लस वन, तो एक्स एक्स कैंसिल इक्वल टू वन हो गया, फंक्शन ऑफ एक्स कितना आया, वन आया, समझ में आया, तो फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर वन आ गया, इक्वेशन कुछ मान लीजिए आप अपने हिसाब से, इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, चलिए इक्वेशन फर्स्ट मान लेकर के फिर से देखिए, व्हेन देखिए तीन पॉइंट मैंने लेने बोला था, एक पॉइंट ले लीजिए माइनस वन इस तरह से, देखिए तो माइनस वन से बड़ा है और जीरो से छोटा है, तो माइनस वन से बड़ा है, माइनस वन से बड़ा है, जीरो से छोटा है, तो जीरो से छोटा वाला ही केस है, तो जीरो से छोटा वाला केस में क्या होगा, देखिए जरा, देखिए ध्यान देना थोड़ा सा समझने के लिए, फंक्शन यही है, तो यहाँ से क्या होगा, एक तरह से हम लोग कह रहे हैं क्या, माइनस वन से बड़ा लेकिन जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा वाला केस देखिए, तो जीरो से छोटा वाला केस, तो मॉड एक्स इक्वल टू माइनस वन होगा, तो यहाँ से क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस वन होगा, देखिए माइनस एक्स होगा, देखिए कुछ क्वेश्चन यही है ना, तो इस देखिए जीरो से छोटा, यहाँ से देखिए मैंने सबसे पहले इसीलिए पॉइंट लिखा है, जीरो से छोटा तो क्या होगा, मॉड एक्स इक्वल टू माइनस वन, मैंने क्या लिख दिया, मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कह सकते हैं, अब क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़िए, ये क्या है, जीरो से छोटा तो है लेकिन आपका माइनस वन से बड़ा है, तो देखिए यहाँ पर ये वाला केस तो देखिएगा, ये वाला तो क्या, एक्स प्लस वन जो है, एक्स प्लस वन है किस केस में, देखिए माइनस वन से है तो इसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव सेंस में आ जाएगा, यानी कितना होगा, माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस वन होगा ना, माइनस एक्स, तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस टू एक्स माइनस वन, बस यही छोटी छोटी पॉइंट है, ये अगर समझ में आपके पास आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए एक पॉइंट और देखते हैं, ये वाला है, व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देखिए यानी जीरो से बड़ा है, सबके केस के लिए यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव ही, तो यहाँ क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू, ये मॉड एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा,
और x प्लस वन है, x प्लस वन को क्या लेंगे, मॉड x प्लस वन में ही रहेगा, तो क्या होगा मॉड x प्लस वन में ही रहेगा, तो यहाँ से क्या होगा x माइनस एक्स, देख लीजिए x माइनस एक्स, आई प्लस वन है तो प्लस वन ही रहेगा कि माइनस वन रहेगा, तो माइनस चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा माइनस वन होगा, कितना हो गया माइनस वन फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, ठीक। तो अब देखिए यहाँ से तीनों पॉइंट निकल गया, तो हम लोग के पास अब आसान हो गया क्वेश्चन बनाना, देखिए क्या हो गया, थोड़ा सा पॉइंट लिखने में ही परेशानी है, नहीं तो फिर क्वेश्चन में दम नहीं है इसमें। फिर देखिए अब क्या लिख सकते हैं, इसको फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, तीन पॉइंट आ रहे हैं, एक ये एक ये एक ये, तो क्या आ गया ओ वन आ गया, फिर कितना आ गया माइनस टू एक्स माइनस वन आ गया, फिर कितना आ गया माइनस वन आ गया। तो ई कब आया पता है आपको, ई कब आया था जब एक्स क्या था एक्स लेस देन माइनस वन था, ई कब आया जब इस केस में था माइनस वन से छोटा था, माइनस वन से बड़ा था लेकिन जीरो से छोटा था, फिर ई कब आया तो ई आया जब एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा था, ठीक है। इस तरह से ही फंक्शन आए, अब इस फंक्शन को आपको चेक करना है कि क्या है आपका कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो इसको हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, छोटी छोटी पॉइंटें हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसको आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको आगे बढ़ने करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आपका सबको फिर एट क्या एक्स इक्वल टू माइनस वन पर, फिर एक्स इक्वल टू जीरो पर हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से एट एक्स इक्वल टू, देखिए हम लोग चेक करते हैं पहले एट, बोर्ड को हम इस तरह से दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, एट एक्स इक्वल टू माइनस वन पर चेक कर रहे हैं। तो माइनस वन पर चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे पहले, तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो एच टेंस टू जीरो तो यहाँ क्या करेंगे फंक्शन ऑफ वन माइनस एच करेंगे, यानी जहाँ जहाँ एक्स रहेगा वहीं कर देंगे, तो एक्स का मान माइनस वन तो लेफ्ट है माइनस वन से छोटा, देखिए माइनस वन से छोटा यही है, तो इसको क्या डायरेक्ट माइनस वन लिखें कोई दिक्कत, देखिए एक्स इक्वल टू माइनस वन लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लेफ्ट का मतलब माइनस वन से छोटा हो गया, तो माइनस वन से छोटा तो यही है यानी कितना हो गया वन हो गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। राइट हैंड लिमिट देखिए, राइट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट लिखिएगा तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो यहाँ क्या होगा फंक्शन ऑफ माइनस वन प्लस एच करिए, माइनस वन से बड़ा देखिए माइनस वन से बड़ा ये है, ये वाला केस होंगे यानी कितना होंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस एच माइनस वन, एच की वैल्यू जीरो पुट करोगे यहाँ तो माइनस माइनस कितना होगा प्लस टू, टू माइनस वन यानी कितना होंगे वन, क्या हुआ राइट हैंड लिमिट क्या हो गया वन, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या था यहाँ सॉरी देख लेना थोड़ा, देखिए माइनस वन से छोटा जो है वन ही है, मैंने माइनस लिखा गया था वन होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितना है इसकी वन है, राइट हैंड लिमिट भी कितना है इसकी वन, ठीक है। राइट पॉइंट कितना एक्स इक्वल टू माइनस वन पर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अब चेक करेंगे, आओ एट एक्स इक्वल टू कितना पर जीरो पर, अब यहाँ से चेक भी कर सकते हैं दोनों क्या है लिमिट बराबर है, यानी क्या हो गया लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, ठीक फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूस हो गया। यहाँ पर यहाँ से फंक्शन ऑफ माइनस भी लिख सकते हैं, यहाँ से फंक्शन ऑफ माइनस वन भी चेक कर लीजिए, एक्स का मान माइनस वन रखेंगे तो क्या होगा तो इक्वल टू है तो माइनस वन के बराबर ये है, तो देखिए क्या होगा यहाँ से ये क्या है जैसे फंक्शन ऑफ एक्स है तो यहाँ क्या माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस टू माइनस वन यानी कितना वन, यानी क्या होगा फंक्शन ऑफ माइनस वन इक्वल टू वन, तो यहाँ से लिख सकते हैं चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ माइनस वन क्या है बराबर, इसीलिए दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कितना पर माइनस वन पर, ठीक है। चलिए इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग लेंगे पॉइंट। देखिए अब हम लोग यहाँ से फंक्शन क्या था माइनस वन चेक कर लिए थे, जीरो चेक करना है, तो देखिए अब चेक करें एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो फिर से यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए, आप लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिएगा तो कितना लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ कितना होगा जीरो माइनस एच, यानी जीरो से छोटा देखिए
जीरो से छोटा, देखिए जीरो से छोटा ये फंक्शन होगा, यहाँ से क्या लिखिएगा, यहाँ से लिख देते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस टू इंटू जीरो माइनस एच माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ से h का वैल्यू जीरो पुट कर दोगे तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, h जीरो तो जीरो हो जाएगा, यानी इसके इक्वल टू क्या होगा, माइनस वन हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से कितना आ गया, माइनस वन आ गया। चलिए अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो प्लस h होगा, क्या होगा लिमिट h टेंस टू जीरो, देखिए जीरो से बारह है तो जीरो से बारह डायरेक्ट है, वहाँ पर वैल्यू देल है आपके पास कितना, वहाँ पर जीरो से बड़ा तो जीरो से बड़ा माइनस वन देल है, तो जीरो से बड़ा माइनस वन देल है, तो उस तरह से आप पहले पुट कर लीजिए। लेकिन आपके पास जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा माइनस वन है, हाँ तो देख लीजिए यहाँ से देल है डायरेक्ट जीरो से बड़ा माइनस वन, तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए इसको कितना माइनस वन। तो राइट हैंड लिमिट कितना आ गया, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू माइनस वन, देखिए। अब जीरो पर भी चेक करते तो इक्वल टू भी जीरो पर चेक कीजिएगा, तो फंक्शन ऑफ जीरो पर भी करिएगा तो क्या इक्वल टू पर भी क्या है, माइनस वन है, तो यहाँ से लिख सकते हैं चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ जीरो, तो लिख सकते हैं दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए सब कंटिन्यूअस, यहाँ ये भी कंटिन्यूअस हो गया, ये भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन निकालने क्या कह रहा था, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कह सकते हैं ये फंक्शन पर कोई भी बिंदु डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा, ऑल फंक्शन का पॉइंट जो यहाँ पर है क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये इसी तरह आज का चैप्टर ख़त्म हो गया 34, ये एक्सरसाइज कम्प्लीट हो गया 5.1, 5.2 हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, 5.3 भी पढ़ चुके हैं, 5.8 का क्वेश्चन चल रहा है रॉल्स थ्योरम, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। थैंक यू।